पर आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th चैप्टर पॉलीनोमियल एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 4 एंड 5। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन 4, फैक्टराइज। आपको क्या करना है, इन्हें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट अभी आप जब लास्ट एक्सरसाइज पॉलीनोमियल की पढ़ लोगे तो आप मल्टीपल तरीके अप्लाई कर सकते हो, बट अभी हमने वो एक्सरसाइज डिस्कस नहीं की है। तो हम सिर्फ किस तरीके से इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। आप 10th में भी यूज़ करोगे, आपको ध्यान से अच्छे से समझना है। इसमें बहुत बच्चों को डाउट रहता है, बट अगर आप कंसेप्ट को ध्यान से समझ के करते हैं तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। सबसे पहले इसके स्टेप्स देख लीजिए कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग में करते क्या हैं। यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिटिंग हम करते हैं, इसमें हम करते क्या हैं। पहला स्टेप, सपोज़ ये पॉलीनोमियल है आपके पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका गिवन पॉलीनोमियल है। तो पहला स्टेप क्या होता है, इसको और इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। यानी कि ए और सी को क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई। ए इंटू सी करेंगे, जो इनकी वैल्यू आएगी, पहला स्टेप है ए और सी को मल्टीप्लाई करना, ए इंटू सी। सेकेंड स्टेप, ए और सी को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है उसके फैक्टर करना, प्राइम फैक्टर ऑफ वैल्यू ऑफ ए इंटू सी। इसको मैं डायरेक्टली भी आपको बता सकती थी, बट पहले मैं आपके माइंड में कंसेप्ट को क्लियर करना चाहती हूँ कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग में क्या स्टेप्स होते हैं। मिडल टर्म स्प्लिटिंग का मीनिंग होता है कि सेंट्रल टर्म को पार्ट में कन्वर्ट करके हम फैक्टर निकालते हैं। तो पहला स्टेप होता है इसके लिए, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिए, जो आपका आता है उसके क्या कीजिए, प्राइम फैक्टर कीजिए। देन थर्ड स्टेप, अरेंज प्राइम फैक्टर्स इन सच ए मैनर, और यू कैन से इन सच ए वे, सो दैट प्लस और माइनस गिव यू मिडल टर्म। ऐसे अरेंज करने हैं, प्लस या माइनस करने पे आपको मिडल टर्म गेट हो जाए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन। स्टेप ध्यान से देख लीजिए, इक्वेशन में फर्स्ट और लास्ट यानी कि ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, उसके प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर को इस तरह से अरेंज करना है कि प्लस या माइनस करने पे मिडल टर्म आ जाए। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, 12x² - 7x + 1। आपको क्या बताया, पहले क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई, 12 के फैक्टर किए, 3, 4 जा 12, तो क्या फैक्टर आ गए, 3 और 4। अब 3 और 4 को ऐसे अरेंज करना है, प्लस या माइनस करने पे क्या है, सेंटर वाला नंबर आए। फैक्टर करने के लिए फर्स्ट और लास्ट नंबर एज इट इज रहता है, सिर्फ मिडल टर्म के 2 पार्ट्स हमें करने हैं। क्या लाना है आपको, 7x। देखिए 3 + 4 क्या होता है, 7, x इसके साथ लगा देंगे बाद में, पहले नंबर सिर्फ देख रहे हैं। 3 और 4 को प्लस करोगे तो क्या आएगा, 7, बट यहाँ पे 7 कैसा है, नेगेटिव। आपको पता है दो नंबर अगर माइनस हैं तो वो आपस में प्लस हो जाते हैं, और साइन किसका रहता है, माइनस का। तो टेक्निकली क्या इसके फैक्टर बन गए, -3x - 4x। 7 की अगर हम स्प्लिट कर रहे हैं तो हमने किया -3x - 4x। देखिए -3 और -4 क्या बन गया, -7। क्लियर है ये चीज़। इसके बाद इन दोनों में से एक कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, यहाँ से कॉमन लिया, 3x कॉमन आ गया, 3, 4 जा 12,
एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन आ गया, क्या बचा? एक्स। थ्री था, थ्री का थ्री कॉमन आ गया, क्या बचा? वन। माइनस फोर एक्स और प्लस में सिर्फ वन ही कॉमन आ सकता है, तो हम लिखेंगे साइन के साथ कॉमन लेना है आपको, यहाँ पे माइनस का साइन है तो क्या लिखेंगे? माइनस वन। ठीक है, माइनस वन कॉमन आ गया। देन जैसे ही माइनस कॉमन आता है, अंदर के ब्रैकेट के साइन क्या कर देता है? वो चेंज। माइनस वन है, ये प्लस फोर, माइनस फोर एक्स था, क्या हो जाएगा? प्लस फोर एक्स। ठीक है, यहाँ पे प्लस वन था, माइनस बाहर कॉमन लेने से क्या हो जाएगा? माइनस वन। देन क्या करना है? कॉमन ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट, देखिए आपने सही किया है या नहीं किया, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है कि आपकी दोनों ब्रैकेट क्या आनी चाहिए? सेम। अगर दोनों ब्रैकेट सेम आ गई तो इट मीन्स आपने सही फैक्टर किए हैं, आपका क्वेश्चन करेक्ट है। तो कॉमन ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट 4x माइनस वन, देन इस ब्रैकेट के बाहर वाला माइनस इस ब्रैकेट के बाहर वाला, दीज टू आर फैक्टर ऑफ 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस वन। ध्यान से देखिए कैसे किया है और समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा ये आएगा तब जब आप प्रैक्टिस करोगे। क्लियर है? चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन टू, फोर्थ का टू क्वेश्चन क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2 × 3 = 6। फैक्टर करेंगे क्या आएगा? 2 और 3, बट हमारे पास क्या है? 7। तो जहाँ पर बात नहीं बने ऐसे, तो वन को भी एक, वन तो सभी का फैक्टर होता है, तो सिचुएशन में भी आप वन को भी एज अ फैक्टर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है? 3 × 1 = 3, तो आपके फैक्टर क्या हो गए? 2, 3 और 1, हमें क्या लाना है? 7। देखिए अब कैसे अरेंज करेंगे, 3 × 2 = 6 प्लस 1 क्या बन जाएगा? 7। फैक्टर्स को आपको अरेंज करना सीखना पड़ेगा। इसमें आपको प्लस का 7x चाहिए, हमारे पास है 2, 3 और 1, तो हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 2, 3 + 6 और ये क्या आ गया? 1। तो इसको क्या करते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हो 2x² + 6x + x + 3, यानी कि फर्स्ट और लास्ट एज इट इज़, और 7x को स्प्लिट कर दिया 6x + 1 में। देन इन दोनों में से 2x कॉमन आ गया, 2x कॉमन, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आया, x बचा, x बाहर कॉमन आ गया, 2, 3 + 6, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इसमें से क्या ले लेंगे? प्लस वन कॉमन। वन कॉमन लेते हो तो नंबर एज इट इज आता है। कॉमन ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट, देन इस ब्रैकेट के बाहर वाला और उस ब्रैकेट के बाहर वाला, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये क्या हो गए? 2x³ + 7x + 3 के फैक्टर्स। क्लियर है? सी नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री, फोर्थ का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है अपने पास? 6x² + 5x - 6। कॉर्नर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 36, 2 से किया 18, 2 से किया 9, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, ये आ गए, यानी 2 × 3 × 3 × 3 × 1, ये बने फैक्टर। 1 का हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वही नंबर आ जाता है। तो मेनली हमें इन्हें अरेंज करना है, जिससे कि हम क्या लेके आए? 5। देखिए अब आपको लाना है प्लस का 5। 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 4, 9 में से 4 लेस किया 5,
तो फैक्टर क्या बन गए इसके, 4 और 9 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 9 × 4 = 36 और प्लस या माइनस करने में सेंटर वाला बनना चाहिए। अरेंज कैसे करने हैं, जो हमें चाहिए उसका ध्यान रखना है, हमें प्लस का आंसर चाहिए तो बड़ा वाला नंबर प्लस का रखना है, प्लस 9x, अगर माइनस 5 होता तो माइनस का 9x रखते, क्योंकि दो नंबर अगर एक प्लस है और एक माइनस है, हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं और साइन किसका रखते हैं, बड़े नंबर का। तो अभी प्लस है तो इसलिए प्लस बड़ा रखा, माइनस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू, सॉरी इसको क्या लिख दिया, 5x को प्लस 9x माइनस 4x और ये माइनस 6 एज इट इज। सी इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, 3x कॉमन, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। यहाँ से क्या कॉमन आया, दोनों में माइनस एक तो माइनस कॉमन आ गया, एंड देन अदर क्या आ गया कॉमन, 2 × 2 = 4, जैसे ही माइनस कॉमन लोगे अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस, ये भी माइनस था क्या हो जाएगा प्लस, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। देन कॉमन ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट 2x + 3, इस ब्रैकेट के बाहर वाला माइनस इस ब्रैकेट के बाहर वाला, साइन के साथ लेना है, प्लस होता तो प्लस माइनस है तो माइनस। तो फैक्टर क्या आ गया, रिक्वायर्ड फैक्टर 2x + 3, 3x - 2, ठीक है। तो ये क्या आ गए इसके इक्वेशन की फैक्टर्स, आ रहा है कुछ समझ में, दिस इज मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ध्यान से, इसमें मेन काम है फैक्टर अरेंज करना और कॉमन लेना, फैक्टर अरेंज करने आ गए आपको तो आसानी से आप कर सकते हो। सेम चीज़ आपको 10th में ये दोबारा करनी है, पॉलिनोमियल का चैप्टर है और इसमें और ज़्यादा आपकी वैरायटीज हैं, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। 3x² - x - 4 कॉर्नर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 3 = 12, साफ ही पता चल रहा है इसके फैक्टर क्या है, 3 और 4। माइनस एक्स चाहिए, माइनस 4, माइनस एक्स का मतलब क्या है, माइनस 1 चाहिए, माइनस 4 प्लस 3, माइनस 4 में से 3 गया माइनस का 1 यानी कि एक्स। फर्स्ट एज इट इज़ मिडल वाले को स्प्लिट करना होता है, क्या कर दिया हमने, माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, देन 3x माइनस 4, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, वी टेक 1 एज कॉमन फैक्टर, ब्रैकेट एज इट इज़ क्योंकि प्लस आपने कॉमन लिया है, देन कॉमन ब्रैकेट में से 1 ब्रैकेट, देन इस ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर एंड देन दूसरी ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर, दीज आर रिक्वायर्ड फैक्टर, 3x - 4 x + 1, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब सेंटर वाले को स्प्लिट किया है बाय द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो इंट्रोडक्शन दिया ताकि आपके माइंड में सेट हो सके ये चीज़ें, बाकी फैक्टर करने आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आप फैक्टर स्पीडली अरेंज कर पाओगे, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। फैक्टराइज, आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है पार्ट 1। अभी तक आप स्प्लिटिंग करते थे, अभी आपको इस वाले फैक्टर में स्प्लिटिंग गिवन है और आपने सीधा क्या निकालना है, फैक्टर -x + 2, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x² x³ में से x² कॉमन आ गया, क्या बचा, x x² कॉमन, क्या बचा, 2। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो जो ये साइन होता है उसके साथ ही कॉमन लेते हैं, 1 प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस, जैसे ही माइनस 1 कॉमन लिया अंदर के साइन क्या हो गए, चेंज, जो प्लस माइनस था वो प्लस हो गया और जो प्लस था वो माइनस, देन
कॉमन ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट इस ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर और दूसरी ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर। इसको और हम ओपन कर देते हैं क्योंकि ये किसका फॉर्मूला लगा रहा है, ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस की कितनी भी पावर लगा दो कोई फ़र्क, सॉरी वन की कितनी भी पावर लगाओ कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता उसका। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि एक्स प्लस टू तो था ही, इसको और ओपन कर देंगे तो ये बनेगा एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। दीज आर योर रिक्वायर्ड फैक्टर ऑफ पार्ट वन ऑफ क्वेश्चन फाइव। इसमें आपका जो वन और फोर है वो इजी है, सेकंड और थर्ड जो है वो डिफरेंट वैरायटी है। तो पहले मैं फर्स्ट टाइम फोर कराऊंगी क्योंकि थर्ड और सेकंड और थर्ड को भी ध्यान से समझना है, थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। इतना क्लियर है? चलिए करते हैं फोर्थ पार्ट, फिफ्थ का फोर्थ पार्ट। टू वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस वन। वाई स्क्वायर कॉमन, देन क्या आएगा, टू वाई बचा यहाँ पे, ये वाई स्क्वायर चला गया, वन कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो इस साइन के साथ लेते हैं, या माइनस है तो माइनस। जैसे ही नेगेटिव कॉमन आता है अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। ये माइनस था प्लस, ये भी माइनस है, ये भी क्या हो जाएगा प्लस। आपको मैंने बताया सही करने का पहचान यही है कि आपकी जो ब्रैकेट है वो कॉमन आएगी। देन कॉमन ब्रैकेट में से एक इस ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर और उस ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर। अगेन इट इज़ यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। सी टू वाई प्लस वन एज इट इज, वाई प्लस वन वाई माइनस वन, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? चलिए अब करते हैं फिफ्थ का सेकेंड पार्ट। इसमें ध्यान से देखना, देख के ही आपको पता चल रहा होगा कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। ना तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो क्योंकि मिडल टर्म स्प्लिटिंग वहीं पर यूज होती है जहाँ पे तीन टर्म है, यानी कि फॉर्म क्या होती है ए स्क्वायर बी एक्स एंड सी। यहाँ पे आप देख रहे हो तीन से ज़्यादा टर्म है तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग तो उसमें हो ही नहीं पाएगी, वन थिंग। सेकेंड थिंग, अगर हम कॉमन लेने की बात कर रहे हैं तो वो भी कहीं कॉमन नहीं है क्योंकि कॉमन ब्रैकेट आनी चाहिए। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स माइनस थ्री बचेगा, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, आप एक बार रफली चेक कर सकते हो। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया एक्स माइनस थ्री, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, वन नाइन एक्स प्लस फाइव। कॉमन ब्रैकेट आनी चाहिए, नहीं आ रही है, आप ये तरीका यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर है? तो इससे अब क्वेश्चन अराइज होता है किस तरह से करते हैं। इसके लिए हम फैक्टर थ्योरम यूज़ करते हैं, यानी कि वो तरीका जिससे हम ये चेक करते हैं कि कोई पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। इसके अब चेक करने का तरीका क्या है, एक्स की वैल्यूज़ एज्यूम करके रखना शुरू करते हैं। पहले प्लस माइनस वन रखते हैं, देन एक मिनट, पहले माइनस यूज़ करना, पहले माइनस फिर प्लस, पहले माइनस फिर प्लस। अगर जब तक हमारा इक्वेशन का आंसर ज़ीरो नहीं आता, यानी कि हमें एक फैक्टर गेट नहीं हो जाता, हम वैल्यू पुट करते जाते हैं, बट आपका दो तीन वैल्यू में ही आंसर आ जाता है। सपोज़ मैं अब चेक करने जा रही हूँ कि क्या एक्स इजिकल टू माइनस वन इसका फैक्टर है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर वन पुट कर देना है। आई एम चेकिंग फॉर एक्स इजिकल टू माइनस वन। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसमें तीन से ज़्यादा टर्म हैं इसलिए मिडल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ नहीं हो रहा है, वन थिंग। सेकेंड थिंग कि भाई इसमें कॉमन लेके ब्रैकेट कॉमन नहीं आ रही थी, तो जो हमने फर्स्ट और फोर्थ में तरीका अपनाया वो भी इसमें हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो इसके फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं, तो हम इसका
पहले एक फैक्टर अलग निकाल देंगे ताकि आसानी से बचे हुए का फैक्टर कर सकें। उसके लिए तरीका होता है कि हम x की वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू हम पुट करते हैं माइनस प्लस में और वन से स्टार्ट करते हैं, माइनस प्लस वन, माइनस प्लस टू, माइनस प्लस थ्री एंड सो ऑन। ये वैल्यू तब तक पुट करके देखते हैं जब तक जीरो आंसर नहीं आ जाता। जैसे ही आपका आंसर जीरो आ जाएगा वैसे ही आप ख़त्म कर देंगे अपनी वैल्यू पुट करना। तो फर्स्ट आई एम चेकिंग फॉर एक्स माइनस वन। सी, जहाँ जहाँ इक्वेशन में एक्स है वहाँ पे मैंने पुट कर दिया वन। थ्री माइनस वन का स्क्वायर माइनस नाइन, माइनस वन, माइनस फाइव। माइनस वन की पावर थ्री माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर वन, माइनस माइनस प्लस, माइनस फाइव। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर अंदर है, मैं लेक्चर में कम से कम 100 and 200 टाइम्स ये बात रिपीट कर चुकी हूँ कि ब्रैकेट के अंदर अगर नेगेटिव है और पावर ओड है तो आंसर नेगेटिव आएगा, अगर ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव है पावर इवन है तो पॉजिटिव आंसर आएगा। अब देखिए माइनस थ्री और माइनस थ्री, थ्री वन जा थ्री हो जाएगा, माइनस वन, थ्री वन जा थ्री, माइनस थ्री, प्लस नाइन, माइनस फाइव। अगर हम माइनस देख रहे हैं तो माइनस वन और माइनस थ्री, माइनस फोर एंड माइनस फाइव, माइनस नाइन, माइनस नाइन प्लस नाइन, क्या आ जाएगा आंसर जीरो। पहली पारी में ही हमारा काम ख़त्म हो गया, आगे हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे भाई ये माइनस है इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस, x इज इक्वल टू माइनस वन था इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, x प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ, आप एक लाइन में लिख लेना या मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ, आपको किसी भी टाइप का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। ये करने के बाद आप राइट करेंगे therefore x plus 1 is a factor of given equation, या पूरी की पूरी equation भी आप लिख सकते हैं, is a factor of equation। क्या है equation, x cube minus 3x square minus 9x minus 5। तो आप लिख सकते हो therefore x plus 1 is a factor of given equation, या फिर factor of x की power 3 minus 3x square minus 9x minus 5। इतना मुझे बताइए क्लियर है कि नहीं। वैल्यू पुट करना है, तब तक वैल्यू पुट करते जाना है जब तक कि आंसर जीरो नहीं आ जाता। जीरो का मतलब ये है कि इस वैल्यू से ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, उधर माइनस था इधर आके प्लस हो गया, अगर उधर प्लस होता तो इधर आके क्या हो जाता माइनस। तो ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, पॉलीनोमियल का डिवाइड। तो ये लाइन में रब कर रही हूँ, आई होप आपने नोट कर ली होगी वीडियो देखते हुए। सी, फैक्टर हमने प्रूव कर दिया तो अब हम क्या कर देंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे बाय डिवाइडिंग। x प्लस वन इसका फैक्टर है, यानी कि ये x प्लस वन से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ध्यान से देखिए किस तरह से डिवाइड करना है, कैसे करते हैं डिवाइड, वेरिएबल को कंपेयर करके। यहाँ x की पावर 3 है और ये x है, क्या चाहिए इक्वेट करने के लिए, एक्स स्क्वायर। जब सेम पावर, सेम बेस होता है तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई करते हुए ऐड। तो आप क्या करोगे, एक्स प्लस वन का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, यही होता है ना नॉर्मल नंबर का करते हैं। तो एक्स को एक्स से किया एक्स क्यूब, एक्स को वन से किया एक्स स्क्वायर, पुट कर दोगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। देन सब्ट्रैक्ट करते समय साइन क्या हो जाते हैं, चेंज, नीचे वाले के साइन सब्ट्रैक्ट करते हुए चेंज हो जाते हैं। डिवाइड में हम क्या करते हैं, ऊपर के नंबर से नीचे के नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे। अब नीचे वाला साइन कंसीडर करना है, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बन जाएगा माइनस फोर एक्स स्क्वायर। फिर पूरा का पूरा ले आते हैं, फिर फर्स्ट को कंपेयर करते हैं, जो यहाँ का साइन है वही ऊपर साइन आएगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। हमारे पास x है और यहाँ पे है 4x square, तो एक तो हमें चाहिए 4 और x है, स्क्वायर करने के लिए क्या चाहिए x, देन x प्लस 1 का मल्टीप्लाई करोगे माइनस 4x से, प्लस माइनस माइनस 4x square प्लस माइनस माइनस 4x, क्या आ गया आपका माइनस 4x square माइनस 4x। साइन चेंज नीचे वाले के, माइनस है तो ये प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस, कैंसिल हो गया, माइनस 9 प्लस 4 माइनस 5। एक नंबर प्लस होता है और एक नंबर माइनस होता है, तो हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं और साइन किसका रहता है बड़े नंबर का। देन अगेन कंपेयर, माइनस का साइन है तो माइनस ही लिखेंगे, 5 चाहिए सिर्फ, 5 को x से किया 5x, 5 को 1 से किया 5, दिस इज आवर 5, लिख देती हूँ अच्छे से मैं। अब साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, हमने माइनस लिखा है तो माइनस, और इसको भी क्या करना है माइनस, दोबारा राइट कर रही हूँ मैं एक बार, थोड़ा छोटा कि यहीं पे ख़त्म हो जाए। ये अपना आ गया था माइनस का 5x और ये था माइनस 5, माइनस 5 से किया था तो माइनस 5x माइनस 5, नीचे वाले के साइन चेंज, प्लस माइनस था प्लस, माइनस 5x प्लस 5x कैंसिल, माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल, ज़ीरो आ गया, इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो देखिए अब इतना बड़ा जो आपके पास पॉलिनोमियल था उसका एक फैक्टर हमने प्रूव कर दिया x प्लस 1 है, और बाकी बचा हुआ पार्ट क्या है जो आपका कोसेंट आता है, इतना मुझे बताइए क्लियर है कि नहीं। डिवाइड करने से हमने इसका एक फैक्टर निकाल दिया, और उस फैक्टर को निकालने के बाद इक्वेशन आपकी क्या हो गई, छोटी इक्वेशन बन गई। अब बची हुई इक्वेशन के भी आपने क्या करने हैं, फैक्टर कर देने हैं, ठीक है। सी आपके पास अब जो है उसको हम यूज़ करेंगे, डिवाइड की भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है आप हमें मेल करके या वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम उसको कंसिडर कर सकें। अपनी तरफ से हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए यूज़फुल मटेरियल प्रोवाइड करें। सी x प्लस 1 तो पहले से इसका एक फैक्टर आ गया, अब क्या बचा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, इसके भी फैक्टर कर लेते हैं, फिर आपको सारे फैक्टर पता चल जाएंगे। सी हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये तो हमने बाहर निकाल ही दिया डिवाइड करके, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 एज्यूम कर लेते हैं, 5 बन जा 5, 5 के फैक्टर कुछ नहीं बनेंगे क्योंकि भाई 5 तो क्या है प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं 1 एंड इट्सेल्फ। तो अब इसको क्या लगाना है हमें 4x, आप इसको अरेंज कर सकते हो माइनस 5 प्लस 1, देखिए माइनस 5 प्लस 1 क्या आ गया माइनस 4, तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट एज इट इज माइनस 5x प्लस x माइनस 5, 1 मतलब ओनली x, अब x कॉमन x माइनस 5, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन x माइनस 5। सी अब क्या करना है, आपने जो कॉमन ब्रैकेट है उसमें से एक लिखना है और बाकी इस ब्रैकेट के बाहर वाला और उस ब्रैकेट के बाहर वाला, इतना मुझे बताइए आपको समझ आया या नहीं आया। दो फैक्टर और लेके आ गए, अब आपसे टोटल फैक्टर पूछे हैं, तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स आपके हो जाएंगे, एक x प्लस 1 ऑलरेडी आ चुका है, अब क्या आया x माइनस 5 और x प्लस 1, चाहो तो आप सीधे भी अरेंज करके लिख दो x प्लस 1 x प्लस 1 और x माइनस 5। सी तो ये क्वेश्चन की भी आप प्रैक्टिस कीजिए, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रही हूँ मैं प्रैक्टिस के लिए, आप वो क्वेश्चन
सॉल्यूशन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। स्टिल आपको नहीं समझ आता है तो आप मुझे वीडियो पर कमेंट करके बताइए, मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको करा दूँगी। क्लियर है? चलिए दोस्तों, तो सी के साथ आज का सेशन ख़त्म करते हैं। आई होप सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा हो और आपको कुछ समझ आया हो। अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए। अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप अपने डाउट हमें हमारी मेल आईडी पर भी सेंड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।